पूर्णिया के डगरुआ सलामी चौक के समीप चोरों ने बीती रात बरौनी तेल पाइपलाइन को काटकर हजारों गैलन तेल चोरी कर लिया। सुबह ग्रामीणों को पता चलते ही यह खबर आग की तरह फैल गई। लोगों ने देखा खेत में जगह जगह गड्ढा बना है, सब में तेल लबालब है। चारों तरफ खेतों में तेल ही तेल दिखाई दे रहा था। इसका फायदा उठाकर स्थानीय ग्रामीणों ने भरपूर तेल लेकर चंपत होते रहे, जब तक कि पुलिस नहीं पहुंची। पुलिस ने ऑयल इंडिया को खबर दिया। 6 घंटे के बाद ऑयल इंडिया रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत करने के बाद तेल पाइप को बंद कर पाई। इस बीच रेस्क्यू टीम ने 60 ड्रम तेल जो खेत में बिखरा था उसे जमा कर जब्त कर लिया। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अधिकारी का कहना है कि यह काफी खतरनाक काम चोरों ने अंजाम दिया है। अभी तक आकलन नहीं हुआ है कि कितने तेल चोरी की गई है। वहीं खेत मालिक का कहना है कि लगभग 10,000 का फसल बर्बाद हुआ है। मेरा लाइन में जो चल रहा है, इस लाइन में उसको घटना दिखा, पता चला कि इसमें बहुत सारे लोग यहाँ से तेल ढो रहे हैं। भाई क्या बात है, प्रशासन लोग मदद किया, प्रशासन लोग जो है कि वो चारों तरफ से सारे लोगों को भगा दिया, नहीं तो बहुत सारे लोग तेल यहाँ से उठा पुठा के लेके भाग रहा था। बाद में हम लोग आए अपना दल बल के साथ, अपना टीम के साथ अपना तेल का सुरक्षा किए। देखिए स्थिति तो जो सामने देख रहे हैं वही है। अभी हम लोगों का ऑपरेशन रिपेयरिंग का स्टार्ट होगा, रिपेयर टीम ऑलमोस्ट आ ही गया है, अभी तेल कलेक्शन हो रहा है, रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम लोग तो जानते हैं इस रिफाइनरी में रिफाइन होकर डीजल पेट्रोल बनता है, चोर क्या बनाएगा ये तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं ना। आकलन में क्या किया जाए, अभी तो हम लोग 20-25 ड्राम उठाए हैं तेल। गौरतलब है कि आज से 6 वर्ष पूर्व नगोछिया के पास भी इस तरह की तेल की चोरी हुई थी। यह बात जानने योग्य है कि चोर आखिर कच्चा तेल लेकर करता क्या है।